गुड मॉर्निंग क्लास. और नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर फोर. चैप्टर का नाम क्या है हमारे? मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी. ओके, तो क्या हम टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या होता है. ओके, तो देखिए अब आपको देखिए एक मेजरमेंट करना हो, स्केल. ओके, स्केल नॉर्मली आपके सब यूज करते हैं, आपको पता है अपनी मैथ में तो स्केल का प्रॉपर यूज होता है. ओके, तो देखिए आपने देखा होगा स्केल पे छोटे छोटे ऐसे बने होते हैं, लाइंस बनी होती है, फिर यहाँ लिखा होता है 1 सेंटीमीटर, फिर 10 लाइंस, ऐसे थोड़े थोड़े स्पेस पे लाइंस बनी होती है. ओके, तो उसका क्या मतलब होता है? 10 लाइंस बनी होती है, वो 10 लाइंस आपकी क्या होती है? उसका लिखा होगा 1 सेंटीमीटर. वो 10 लाइंस आपकी क्या होती है? मिलीमीटर होती है. 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर से करके 10 लाइन होती है, वो होती है 10 मिलीमीटर होती है स्केल पे जो मेजरमेंट होता है. ओके, तो वो जब 10 लाइन बन जाती है उसका क्या बनता है? 10 मिलीमीटर का क्या बनता है? 1 सेंटीमीटर. आपके पास जो स्कूल में आप स्केल यूज करते हो उसका 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है ना, 15 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है? तो उसमें 10 मिलीमीटर की कितनी लाइन होनी होती है? 50. अगर 10 मिलीमीटर से आपका 1 सेंटीमीटर बनता है तो आपका 15 सेंटीमीटर का स्केल है तो कितना हो जाएगा आपका? 150 मिलीमीटर. ओके, 150 मिलीमीटर हो गया. 10 लाइंस बनी होती है, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 10 लाइंस, फिर 1 सेकंड सेंटीमीटर, ऐसे बनाते हैं 10 लाइंस काफी स्पेस पे, तो वो आपका मिलीमीटर होता है. ओके, इस तरह आपका क्या है? अब देखिए आपकी लेंथ की बेसिक यूनिट कौन सी होती है? लेंथ की, आपकी लेंथ की बेसिक यूनिट होती है मीटर. ओके, मीटर क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट कह लो, बेसिक यूनिट कह लो, ये आपकी मीटर होती है लेंथ, जिसमें मेजरमेंट करते हैं. जैसे मिलीमीटर, हमने स्केल का मेजरमेंट इसमें किया मिलीमीटर. पेंसिल कितने सेंटीमीटर की है? मीटर में किसमें करेंगे? पेंसिल का मेजरमेंट होगा सेंटीमीटर में. ओके, उसके बाद हम करते हैं, मतलब बेसिक यूनिट तो आपकी रहेगी मीटर, और हमारा बाकी क्या रहेगा? जैसे हो जाएगा उसके बाद हम प्रीफिक्सेस होते हैं किलोमीटर, मिलीमीटर. ओके, ये आपके होते हैं सेंटीमीटर, ये होते हैं इसकी प्रीफिक्सेस बोल सकते हैं उनको. ओके, और बेसिक यूनिट आपकी क्या रहेगी? लेंथ की मीटर. ओके, अब देखिए अब आपको क्या कन्वर्जन करना होता है, यूनिट्स कन्वर्जन. जैसे किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना क्या होता है? यूनिट्स कन्वर्जन होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम कैसे करते हैं, पहले कन्वर्जन देख लेते हैं कि कौन कौन सा कितना होता है, लेंथ कितनी, यूनिट्स क्या चीज होती है. अब देखिए मैंने कुछ यूनिट्स के मेजरमेंट लिखे हैं. 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर. ये सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये आपकी नेक्स्ट क्लासेस में भी आपके साथ काम आएंगी चैप्टर. इन पे भी बेस्ड चैप्टर आते हैं आपके, कन्वर्जन लेंथ वगैरह पे चैप्टर आपके रहेंगे नेक्स्ट क्लासेस में भी, इसलिए इनका आपको बेस क्लियर होना चाहिए. 1 सेंटीमीटर मैंने आपको बताया था, अभी स्केल का मेजरमेंट आया था ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. ओके, ठीक है. अभी 1 किलोमीटर में सबको पता है कि 1 किलोमीटर में जब मेजरमेंट करते हैं तो 1000 मीटर होते हैं. ओके, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर. अब आप देखिए ये कैसे बना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. ओके, 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में. क्या आपके क्या है? अब ये 1 मीटर है, 1 मीटर का ये इसका ये हमेशा रहता है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होंगे. अब देखिए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हैं? मिलीमीटर है. 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर है 10, जो हमने स्केल का मेजरमेंट लिया था. ओके, और 1 मीटर में अब देखिए 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने? 100. तो 1 मीटर में अब मिलीमीटर कितने होंगे? देखो 100 इंटू 10
1000 मिलीमीटर. ओके क्लियर है ये. नेक्स्ट देखिए हम इनके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल आपसे इसको क्लियर हो जाएगी, यूनिट्स कन्वर्जन आपको क्लियर हो जाएगा कैसे कन्वर्ट करते हैं. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम कन्वर्ट करते हैं 5 मीटर 75 सेंटीमीटर. हमारे पास क्या है 5 मीटर 75 सेंटीमीटर और इसको कन्वर्ट करना है हमें 5 सेंटीमीटर में. हमें क्या है, एक तो हमें यूनिट नंबर क्या दे दिया, 5 मीटर में दे दिया और ये हमें दे दिया 75 सेंटीमीटर. अब हमें इस पूरे को क्या है कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. ओके अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, देखिए आपके पास 75 सेंटीमीटर ऑलरेडी है. ओके तो इसको आप करोगे एक स्किप. हम देखेंगे हम मीटर को सेंटीमीटर में क्या चेंज कैसे चेंज करते हैं. तो मैंने अभी अब यूनिट्स कन्वर्जन आपको क्या बताई थी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. अभी मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट मैंने ये लिखा था कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ओके 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. तो आप क्या करोगे, आपके पास मीटर कितने हैं, 5 मीटर आपके पास. तो आपने क्या किया 5 × 100 कर दिया. ओके क्योंकि इसको हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो हमने क्या किया इसको मल्टीप्लाई इसको कर दिया और 75 आपके पास एज इट इज है. ओके तो 5 को हमने 100 से किया तो हमारे पास आ गया 500 सेंटीमीटर और आपके पास 75 सेंटीमीटर ऑलरेडी है. तो अब इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 500 और 75 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 575 सेंटीमीटर. ये हमारा आंसर आ गया. ओके समझ आया आप सभी को, हमने क्या किया, क्वेश्चन अपने पास क्या था 5 मीटर और 75 सेंटीमीटर, हमें कन्वर्ट करना था इसको हमें इसको कन्वर्ट करना था सेंटीमीटर में. तो हमने क्या किया 75 तो एज इट इज रख दिया बिकॉज ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में, हमें कन्वर्ट हमने क्या किया मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे. तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. तो हम क्या करेंगे 5 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 500 सेंटीमीटर बन गया और वो 75 ऑलरेडी था तो 575 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया. ओके यहां तक आपको क्लियर है. नेक्स्ट आप देखिए आपको देखिए क्वेश्चन क्या दिया, 4 किलोमीटर एंड 300 मीटर. अब कन्वर्ट आपको किस में करना है, कन्वर्ट इस क्वेश्चन में आपको करना है मीटर में कन्वर्ट करना है. ओके आपको क्या है 300 तो ऑलरेडी मीटर में है, 4 किलोमीटर को आपको क्या कन्वर्ट करना है मीटर में कन्वर्ट करना है. तो अभी आपको मीटर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1 किलोमीटर मीटर आपके होते हैं 1000 मीटर होते हैं. ओके तो आपने क्या किया यहाँ लिख लिया 1 किलोमीटर इक्वल टू, ये सबको आपको पता होगा तो भी उसी बेस पे क्वेश्चन होंगे इसलिए आप सभी को ये मेजरमेंट पता होने चाहिए यूनिट्स कन्वर्जन, तभी आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे. ओके तो हमें ये पता है, जहां हमें पता चला कि मीटर के साथ किलोमीटर का क्या रिलेशन है, हमें ये पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. तो फिर हम क्या करेंगे, हमने देखा कि 300 तो मीटर में ऑलरेडी, तो हमने क्या किया 4 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 4 में कितने हो गए, 4 में हो गए 4000. ओके 4000 आ गया, 300 अपने पास ऑलरेडी है तो टोटल कितना हो गया 4300 मीटर हमारा आंसर हो गया. ओके हमारा आंसर क्या है 4300 हमारा, हमने यह 4 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया सिंपल सा क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है. ओके ये आपका यूनिट्स कन्वर्जन के क्वेश्चन रहेंगे मीटर किलोमीटर. ओके एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के बेस पे, देखिए
इसको देखिए, हमारे पास है 7630 मीटर। आपको इसको कन्वर्ट क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, किलोमीटर और मीटर में। आपने देखा कि 7000 मीटर है, हम इसको अलग लिखते हैं, 7000 लिखा मैंने और 630 ये मैंने लिख दिया। अब आपको ये तो एजिटिव देगा 630 मीटर, इसको आपको करना है किलोमीटर में कन्वर्ट। अब अपने को ये पता है कि वन किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ये अपने को पता है, ठीक है, ये अपने को ऑलरेडी पता है। अब यहाँ क्या 7000 है, अभी हमने किया था ना 4 किलोमीटर को कैसे चेंज किया था 4000, तो इसका रिवर्स क्वेश्चन आ गया, ये हमारे पास 7000 है, दैट मीन्स ये 7 किलोमीटर है, 7000 मीटर है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा। आप ये मान के चलिए, आपको ये अगर पता होगा कि इनका रिलेशन क्या है मीटर और किलोमीटर का, आपको ये पता है कि 1 मीटर = 1000 मीटर, तो आपको ये अगर आइडिया है, अगर आपको लर्न है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसको कन्वर्ट इजीली कर दोगे, आप लिख दोगे तो 7 किलोमीटर हो गया और ये आपका हो गया 630 मीटर। ओके, आपके अब यूनिट कन्वर्जन इसी तरह रहेंगे, ओके, सेम ही प्रोसेस चलेगा आपका। देखिए आपका है 460 सेंटीमीटर, यहाँ क्वेश्चन में 460 सेंटीमीटर है, आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर और सेंटीमीटर में। ओके, अब आपको ये पता है कि 1 मीटर 1 सेंट ये कितना होता है, आपको ये आपको आपकी सभी लेंथ कन्वर्जेशन आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, और सेंटीमीटर आपको ये पता है कि 1 मीटर में सेंटीमीटर आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आपने लिख दिया 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर। ओके, अब हमारे पास देखिए, हम मैंने यहाँ लिखा 400 सेंटीमीटर + 60 सेंटीमीटर, इसको एज इट इज रहने देंगे, 400 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर, 400 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 400 मीटर किसके, 400 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 4 मीटर के इक्वल हो जाएगा। ओके, जब आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर होता है, तो 400 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 4 मीटर, और ये हमारा 60 सेंटीमीटर, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 मीटर and 60 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, या बोल सकते हो 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर होता है, आपको ये चीज पता है, तो आप बोलोगे कि 400 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर होता है, तो 400 के इक्वल कितना हो जाएगा, 4 मीटर, और 60 सेंटीमीटर एज इट इज आ जाएगा, आंसर हमारा आ गया 4 मीटर 60 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा क्या आज क्या लेंथ कन्वर्सेशन टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, नेक्स्ट टॉपिक हम कल कंटिन्यू करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक कल का रहेगा वेट यूनिट्स, मेजरमेंट ऑफ वेट। ओके, कल की क्लास हम कल नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, बाय बाय।